सेंधवा। मात्र चंद मिनटों में समाप्त हुआ जल सत्याग्रह। प्रशासन ने धारा 144 का हवाला देकर सत्याग्रह कर रहे लोगों को किया गिरफ्तार। सेंधवा के समीप टट्टी रानी मार्ग पर पुलिया निर्माण की मांग को लेकर जल सत्याग्रह करने पहुंचे लोग जल सत्याग्रह की अनुमति और जिले में धारा 144 का हवाला देकर जल सत्याग्रह कर रहे चार लोगों को पुलिस ने लिया गिरफ्त में। धारा 151 के तहत की जाएगी कार्रवाई। विदित हो कि लंबे समय से बैकवाटर पर पुलिया बनाने की मांग की जा रही है, लेकिन अभी तक पूरी नहीं हो पाई। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पुलिया निर्माण की घोषणा की थी, बावजूद इसके पुलिया का निर्माण अब तक नहीं हो पाया। पूर्व में कांग्रेसी भी इसे लेकर जल सत्याग्रह कर चुके हैं, लेकिन कांग्रेस सरकार बने एक साल होने के बाद भी अब तक पुल का निर्माण नहीं हुआ। या तो कि नकटी रानी के समीप गोई नदी पर बैराज बनने के कारण ग्रामीणों को सेंधवा आने के लिए 15 किलोमीटर का चक्कर लगाना पड़ता है। इसके लिए ग्रामीण गोई नदी पर पुलिया निर्माण की मांग लंबे समय से कर रहे हैं। नकटी रानी में पुलिया की मांग को लेकर के विजय नाम का एक निवासी, उसके द्वारा बिना परमिशन के जल सत्याग्रह का घोषणा की थी। जैसे सूचना हमको मिली तो पुलिस और प्रशासन यहाँ मुखिया पर पहुंचा, उनको पहले समझाने की कोशिश की पर वो मान नहीं रहा था। तो इस कारण से जो कि धारा 144 लगी है और बिना परमिशन के धरना आंदोलन किया जा रहा था, इसलिए उनको जो यहाँ से हटा दिया गया है और धारा 151 के तहत जो है उनको गिरफ्तार कर लिया। अच्छा, पुलिया की गाँव वालों के लिए बहुत जरूरी है, परंतु विभिन्न स्तर से साधन तक जो है मांग पहुँचा दी, जैसे ही स्वीकृति मिलेगी तो पुलिया का निर्माण भी हो जाएगा। एक विजय हैं जो उन्होंने यहाँ पे आए थे कि हम जल सत्याग्रह करेंगे यहाँ पे पुलिया की मांग को लेकर, तो उन्हें समझाया गया कि अपनी मांग वो दूसरे तरीके से करें। अभी धारा 144 लगी हुई है जिले में, तो इस तरह से इकट्ठा नहीं कर सकते लोगों को, फिर भी वो नहीं माने तो उन्हें धारा 151 में गिरफ्तार किया गया है। कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया? अभी चार लोगों को गिरफ्तार किया।